प्रगतिशील प्रदेश जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सक्षम नेतृत्व से बुलंदियों के शिखर से विकास का उद्घोष करा रही थी, के साथ लगभग 64 करोड़ योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने शुभ कर कमलों से, जो कि 328.43 करोड़ की परियोजनाएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आप सबकी शुभकामना रूपी तालियां आनी चाहिए जोरदार विकास की एक मजबूत कड़ी। 328 योगी आदित्यनाथ ने बरेली को 364 करोड़ के जो है विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री महोदय जी ने बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय सांसद बरेली माननीय संतोष कुमार गर्गवार जी को अपने उद्बोधन के। धन्यवाद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो वहां पर मौजूद अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने बरेली को बड़ी सौगात दी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जो की है उसको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किया गया, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब श्री सुनील सिन्हा न्यू राजीव सदर बरेली आपको चेक वितरित करेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग के तहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभान्वितों को चेक सौंपते हुए देखे जा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, श्री वीरपाल जी मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र, कुमारी साक्षी मिश्रा 46 मिनी बाईपास बालाजी धाम, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत लैपटॉप आपको वितरित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाभार्थियों को इन जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं के तहत, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तस्वीरों में आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो लाभार्थी थे जन कल्याण योजनाओं के उनको उन्होंने सम्मानित किया है, उनको उन्होंने चेक सौंपे हैं। इसके साथ ही जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को सौंपे हैं। हमारा परम सौभाग्य है बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बरेली जनपद की 328 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, लोकप्रिय सांसद श्री संतोष कुमार गंगवार जी, महापौर उमेश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, पूर्व मंत्री श्री छत्रपाल गंगवार जी, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना जी, जिलाध्यक्ष आदेश आंवला श्री आदेश प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित
बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बरेली की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। जब हम लोगों ने बरेली में एक साथ बरेली की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और जिसमें कोतवाली से कोहड़ा पीर दो लेन की उपरिगामी सेतु का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए बरेली जनपद के आप सभी बंधुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपने सहयोगी मंत्री जितिन प्रसाद जी को रुचि लेने के लिए कि समय से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। और यहां के उन सभी उद्यमी और व्यापारियों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस उपरिगामी सेतु को, लगभग 1 किलोमीटर लंबे उपरिगामी सेतु को पूरा करने के लिए अपना पूरा सकारात्मक योगदान दिया है। उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज इसके साथ ही बरेली का आईटी पार्क का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है। अब बरेली कभी जाना जाता था अपने झुमकों के लिए, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति आता था तो किसी को पता ही नहीं होता था कि कहां है झुमका। लेकिन अब यहां फ्लाईओवर के लिए और आईटी पार्क के लिए हमारा बरेली जाना जाएगा, बरेली की एक नई पहचान हो रही है। और मैं तो कभी कभी देख के ताज्जुब करता हूं, हमारे जितने विधायक हैं, सांसद हैं, वह किसी न किसी विधा के विशेषज्ञ हैं। कोई डॉक्टर है, कोई पशु डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंकर्स है, कोई किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ है। और विशेषज्ञ होने के साथ ही अपनी इस विशेषज्ञता का लाभ पूरे प्रदेश को दे रहा है। इतना भारी पोटेंशियल होने के बाद भी बरेली उपेक्षित पड़ा हुआ था, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि आपकी चिर प्रतीक्षित मांग आज पूरी हो रही है और इसको पूरा करने के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों का मुझे बार बार दबाव आ रहा था। एक बार केवल आधे घंटे के लिए सही, मैंने कहा आऊंगा तो समय तो पूरा ही लगता है, लेकिन आधा घंटा पूर्व में जो पौन घंटा पूर्व जरूर आपके कार्यक्रम में आ गया। यानी मुझे यहां पे पहुंचना था लगभग 3:30 बजे के बाद, लगभग 4 बजे के आसपास मुझे यहां पहुंचना था और मैं 3 बजे ही आपके यहां पहुंच गया। और उस सबके बावजूद आप पूरी तरह भर गए थे यहां पे। मैं देख रहा था जनता जनार्दन, मैं सोच रहा था मैं यही जा पहुंच ये कहकर के आया था कि लगता है बरेली जा रहा हूं तो मंच पे मैं अकेले ही रहूंगा। लेकिन मैं देख करके ताज्जुब कर रहा था कि मुझसे भी पहले आप सभी यहां पर पहुंच गए। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, देश बदल चुका है, अब हम भी कह सकते हैं कि हम भी एक विकसित भारत के नागरिक हैं। भारत ने पिछले 10 वर्ष के अंदर जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति की है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके कारण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, कहीं कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों की ओर से, आंख से आशा भरी निगाहें दुनिया की भारत की ओर जाती है, दुनिया में, जिसके कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत का सम्मान बढ़ने का मतलब भारत के हर नागरिक का सम्मान, 140 करोड़ लोगों का सम्मान। तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, भारत को आंखें नहीं दिखा सकता, क्योंकि भारत को कोई आंखें दिखाएगा तो भारत आज इतनी सामर्थ्य इतनी शक्ति रखता है कि उसकी आंखों को उसी की हाथ पे तेल लग करके फिर वापस कर सकता है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है।
नए भारत के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, आईटी पार्क। और इसके साथ ही हम लोग आज नए तरीके से कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देश के अंदर बना है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका है, देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को कैसे मिल रही है, आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होते हुए देखा होगा। और आज जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार जो आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7 वर्ष के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ प्राप्त किया है, 56 लाख गरीब के मकान बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 3 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड स्वीकृत हो गए, कोई भेदभाव नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर महीने प्राप्त हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं, और स्मार्ट सिटी बनेगी, आपका यहां का आज का ये फ्लाईओवर स्मार्ट सिटी मिशन की देन है, जिसके तहत आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। 328 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात आज आपको प्राप्त हुई है और नाथ कॉरिडोर की परिकल्पना भी साकार रूप ले रही है, जिसके लिए लोकनाथ मंत्री जी कह रहे थे कि 140 करोड़ रुपए सबको जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, जो नाथ नगरी के रूप में आपकी पहचान थी, उस पुरातन पहचान को जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत, तो विरासत भी और विकास का भी अद्भुत संगम आज आपका बरेली बन रहा है। और इस बरेली के अद्भुत संगम के लिए बरेली वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए बार बार बधाई देता हूं, कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज कितना अच्छा संयोग है, सुरक्षा का वातावरण है तो उतना ही निवेश की भी अच्छी स्थिति पैदा हुई है। अभी हम प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, गत वर्ष इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उस प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया, 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 35 लाख नौजवान जो उत्तर प्रदेश का पहले उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था आज उत्तर प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त करेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, यही सम्मान प्राप्त करेगा। फिर एक बार मोदी सरकार के लिए ये आह्वान है, फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए हम सबको प्राण प्राण से जुटना है, और इसी का आह्वान बरेली वासियों से करने के लिए मैं आया। बरेली वासियों ने कभी हमें बैरंग नहीं भेजा है, बरेली तो हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, आगे आकर के आया है, और आज इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। बंधुओं, कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगी, तो हम लोग चुनावी रैली करने के लिए आएंगे, आज सौगात देने के लिए आए हैं, होली की एक उपहार, और होली का इस उपहार सॉफ्टवेयर पार्क भी है, आपके फ्लाईओवर भी हैं, बाढ़ बचाव के कार्य भी हैं, और भी हर घर नल योजना और शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं। इन सब का उपहार बरेली वासियों को देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बरेली वासी फिर दोनों जगह पूरे बरेली में केवल कमल 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 ही दिखना चाहिए, जिससे मोदी जी तीसरी बार में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके हर भारतवासी के चेहरे पर खुशी को और दुगुना करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं बरेली वासियों को इन सभी योजनाओं की सौगात के लिए
हृदय से बधाई देता हूं अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, हृदय से इन योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब जब तीसरी बार यहां पर आएंगे तो कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ बरेली वासियों को सौगात देने के लिए यहां पर फिर से उपस्थित होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।